हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आराध्य क्लासेस। स्टैंडर्ड 11, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी एंड चैप्टर नंबर 1, अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम मैंने आपको अकाउंटिंग के बारे में इंट्रोडक्शन स्टार्ट करी थी, बराबर ध्यान रख लेना खास। दूसरी मेन चीज, लास्ट टाइम मैंने आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी बताई थी। अब आज चैप्टर नंबर 1 के अंदर पार्ट 3 जो स्टार्ट करने जा रहा हूं, अच्छी तरह ध्यान रख लेना खास, जिसका नाम है यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का यूज कहां पर कैसे किस तरह से होता रहता है वो भी हमको यहां पर सीखना है। सबसे मेन चीज ध्यान रखना, बेसिक कि अकाउंटिंग के मेन फीचर्स क्या है। फीचर्स दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अकाउंटिंग, बराबर। तो देख लेना खास, इधर स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक जिसका नाम यहाँ पर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अकाउंटिंग। मैंने आपको लास्ट टाइम डेफिनेशन बताया था, डेफिनेशन के अंदर बताया था कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट, एक आर्ट है। इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द ट्रांजेक्शन। लास्ट टाइम मैंने ट्रांजेक्शन के बारे में बताया था कि बिजनेस के अंदर ओनली इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड। समझ लेना, यहाँ पर बुक्स में हम कभी भी यहाँ पर नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की एंट्री करते नहीं, only economic transactions are recorded, okay? वो मैंने आपको last time बताया था कि the transaction which can be measured in terms of money, जो transaction को really money में measurement कर सकते हैं उसको बोलते हैं यहाँ पर, वही economic transaction हुआ। That means financial transaction, non-financial transaction business में कोई जगह पर record होता नहीं है। ये एक सबसे main चीज ध्यान रख लेना खास। अभी मैं आपको जो टॉपिक यहां पर बताने जा रहा हूं जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो फ्रेंड्स कैरेक्टरिस्टिक्स बात करने जाओगे तो ये चैप्टर के अंदर टोटल, ये टॉपिक की बात करने जाओगे तो टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जो यहां पर इंपॉर्टेंट बताया हुआ है, ध्यान रख लेना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अकाउंटिंग की बात करने जाओगे तो टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर बताया हुआ है। वन बाय वन आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ऐसे तो कैरेक्टरिस्टिक्स है तो बहुत सारे, पर जो जरूरी है उतने बता रहा हूं। सबसे मेन चीज वो है नंबर 1, इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान रखना इधर के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा, यहां पर हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। वन बाय वन में आपको सब एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान रखना। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अकाउंटिंग के अंदर हिस्ट्री, आज कोई भी ट्रांजैक्शन पास्ट में हमने करा होगा, हिस्ट्री का मतलब ध्यान रखना खास, कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर पास्ट में करा होगा उसका बेनिफिट प्रेजेंट या तो फ्यूचर में मिले, इसीलिए अकाउंटिंग के अंदर हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन आर वेरी मच यूजफुल विद द हेल्प ऑफ द पास्ट डेटा। आज आपको पता होगा पास्ट में जो रिकॉर्ड सही तरह से करा होगा तो हम प्रेजेंट में वो डेटा को अच्छी तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं, पर आज पास्ट में कोई भी परमानेंट रिकॉर्ड हमने नहीं करा होगा तो यहां पर देखने जाओगे तो प्रेजेंट या तो फ्यूचर में उसकी इफेक्ट आपको देखने को मिलती नहीं है। पहली चीज ये ध्यान रख लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स में हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, हिस्ट्री तो सबको पता है, विद द हेल्प ऑफ द हिस्ट्री, हिस्ट्री के मुताबिक इंसान क्या कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। फ्यूचर्स आर टोटली अनसर्टन, नोबडी नोज व्हाट हैपन इन द फ्यूचर, किसी को पता ही नहीं है। आज कोई भी इंसान बिजनेस करता है तो उसको थोड़ी मालूम होगा कि बिजनेस के अंदर आज कितना प्रॉफिट होने वाला है या तो आज कितना सेल होने वाला है, वो किसी को मालूम नहीं है। फ्यूचर अनसर्टन है, समझ लेना। बिजनेस के अंदर भी
प्रॉफिट रेशियो भी अनसर्टन है, डिपेंड, उसमें भी काफी सर्कमस्टेंसेस, नेचुरल एज वेल एज मैनमेड फैक्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। नेचुरल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है और मैनमेड फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है, समझ लो खास, नेचुरल एंड मैनमेड बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। घटनाएं तो आती जाती रहती है, जैसे रिसेंटली अभी जो कोविड का सिचुएशन चल रहा है, जिसकी वजह से बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा अफेक्टेड आपको देखने को मिलता रहता है, कोई भी बिजनेस हो, चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा, स्मॉल स्केल हो कि लार्ज स्केल हो, बिजनेस को ये नेचुरल डिजास्टर एज वेल एज मैनमेड कोई भी प्रॉब्लम्स बिजनेस को अफेक्ट करता है, बराबर। तो ये हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है, हिस्ट्री के मुताबिक आज बिजनेस के अंदर क्या कर सकते, अगर कोई भी चेंजेस करना चाहते हो तो हम चेंजेस यहाँ पर कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अकाउंटिंग, ये भी ध्यान रख लेना। दूसरी मेन चीज आएगी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑर्डर चेंज करना हो तो कर सकते हो, जरूर नहीं है कि वही ऑर्डर में मेंटेन करो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब अपनी तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स का ऑर्डर बाय चांस चेंज करोगे तो भी कोई इश्यू है नहीं। फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब मैं बता दूं, खास ध्यान रखना, एक ये भी आवे, या तो फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, फाइनेंशियल, एक्चुअली अकाउंट की बात करने जाओगे ये भी ध्यान रख लेना, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स या तो फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हो। बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन मेंटेन करते ओनली इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कोई जगह रिकॉर्ड होता ही नहीं है, इसीलिए ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि ओनली फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ही बिजनेस के अंदर क्या होता रहता है, रिकॉर्ड होता रहता है, दूसरा कोई ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड होता नहीं है। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट पार्ट के अंदर आपको बताया था, अगर ध्यान रखना हो एक बार फिर से बता देता हूँ कि बिजनेस के अंदर आज हम जो भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बेसिकली ट्रांजेक्शन की बात करने जाओगे तो देर आर ओनली फोर टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन विच आर डन बराबर इन अ रेगुलर बेसिस। चार प्रकार के ट्रांजेक्शन जनरली होते रहते। नंबर वन कौन सा, तो मैंने बताया था एक्सपेंस ट्रांजेक्शन, इनकम ट्रांजेक्शन, असेट्स एज वेल एज लायबिलिटी, बराबर। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान रख लेना, एक्सपेंस ट्रांजेक्शन मतलब खर्च, इनकम ट्रांजेक्शन मतलब आवक, थर्ड नंबर असेट्स, प्रॉपर्टीज जिसको बोलते रहते, बराबर, और चौथा नंबर जो होता रहता है वो है लायबिलिटी। आज हमने किसी से भी कोई भी पैसा लिया होगा या कोई भी माल सामान उधार पर लिया होगा तो वो पैसा आज नहीं तो फ्यूचर में चुकाने का बाकी है, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी, समझ लेना। ड्यू बोलते, कोई भी ड्यू, कोई भी आउटस्टैंडिंग, कोई भी अनपेड, ये सब चीज़ें लायबिलिटी के अंदर कंसिडर होती रहती है। तो बिजनेस के अंदर ये जो मैंने आपको बताया ट्रांजेक्शन्स, वो चार अलग अलग प्रकार के ट्रांजेक्शन्स अपने को ध्यान में रखने के होते रहते हैं। तो ओनली फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स आता रहता है, नॉन फाइनेंशियल बिजनेस के अंदर कोई जगह मेंशन होता ही नहीं है, इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर वर्ड बताए फंडामेंटल। अकाउंटिंग के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की बात करने जाओगे तो मेन चीज क्या है, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, बराबर, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट यहां पर बताया हुआ है। देन थर्ड नंबर जिसका नाम यहां पर है, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मैंने ये भी आपको लास्ट टाइम बताया था, मनी, मनी इज द सेंटर ऑफ अवर इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की बात करने जाओगे तो मनी सेंटर में है। आज आप कोई भी एक्सचेंज करते हो, समझ लेना, गुड्स हो के सर्विस हो, अगर वो दोनों चीज का जो एक्सचेंज करते हो ना, दैट एक्सचेंज कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी में मेजरमेंट होता है, वो खास ध्यान रख लेना, बराबर। पैसा, पैसा है तो आज इकोनॉमिक है, फाइनेंशियल है, पैसा नहीं हो तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यहाँ पर हम बोलते नहीं हैं। और बिजनेस के अंदर तो मनी जो मेन है, एक हाथ माल सामान लो या सर्विस प्रोवाइड करो
दूसरे हाथ में आपको क्या पैसा या तो पेमेंट करना पड़े। सो सेंटर्ड बिजनेस के यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करने जाओगे तो धंधे के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर मनी बताया हुआ है। जब मैंने आपको पार्ट वन के अंदर बताया कि बिफोर इन्वेंशन ऑफ मनी, जब मनी की शुरुआत नहीं हुई थी तब उस टाइम पर क्या था, जब मनी की शुरुआत नहीं हुई थी उस टाइम पर बार्टर सिस्टम चलती थी। वो भी मैंने लास्ट टाइम बताया था कि प्रोडक्ट के सामने प्रोडक्ट, सर्विस के सामने सर्विस, या तो प्रोडक्ट के सामने सर्विस। पर जैसे जैसे मनी की यहाँ पर शुरुआत हो गई तो आज कोई भी ट्रांजेक्शन इजीली पॉसिबल हो चुका है। यू कैन फाइंड आउट ईच एंड एवरी प्रोडक्ट्स वैल्यूज, आप हर प्रोडक्ट की वैल्यू डिसाइड कर सकते हो एंड एज पर द वैल्यूज बराबर यू कैन एक्सचेंज इजीली विद द हेल्प ऑफ द मनी। मनी की वजह से आप कोई भी प्रोडक्ट को एक्सचेंज इजीली कर सकते हो बराबर। इसीलिए वर्ड बताए कि मनी इज अ मीडियम ऑफ, क्या लिखा है, एक्सचेंज। क्लियर। देन फोर्थ पॉइंट वो है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग। आज बिजनेस के अंदर मैंने डेफिनेशन बताई थी कि क्लासिफिकेशन की बात करने जाओगे तो क्या होता रहता है कि अकाउंट के अंदर हम अलग अलग प्रकार के ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन वी शुड हैव टू स्कैटर्स ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन एज पर द बेसिक मैनर्स। बेसिक मैनर्स का मतलब क्या होगा कि बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन किस टाइप का है, एक्सपेंस है, इनकम है, असेट्स है, लायबिलिटीज है, गुड्स है, तो वो सब ट्रांजेक्शन को अलग अलग तरह से स्कैटर्ड क्लासीफाई करना पड़े। ये भी मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में, फिर से एक बार बोल देता हूँ कि बिजनेस में सपोज बहुत सारे मेरे कस्टमर्स हैं, मैं सभी कस्टमर को गुड्स प्रोवाइड करता हूँ, समझ लो। रोज इतने सारे कस्टमर्स होते रहते कि वो लोगों को मैं क्रेडिट पर मतलब उधार पर माल सामान प्रोवाइड करता हूँ, तो वो लोगों को जो भी गुड्स प्रोवाइड करता हूँ, कितने रुपए का माल सामान देता हूँ यहाँ पर, वो सब मैं ओरली याद नहीं रखूँगा, समझ लो। वी शुड हैव टू मेंटेन अ सेपरेट अकाउंट ऑफ ईच एंड एवरी कस्टमर। सभी कस्टमर का मैं सेपरेटली अकाउंट मेंटेन करूँगा और वो बुक के अंदर सभी कस्टमर की सेपरेट एंट्री करूँगा। दैट इज क्लासिफिकेशन। बिजनेस बुक्स अलग होती रहती है और वो बुक के अंदर हम क्या करते हैं, सेपरेट एंट्री सबकी यहाँ पर करते रहते हैं, ठीक है। तो ये माइंड में ध्यान रख लेना खास, क्लासिफिकेशन बिजनेस में जरूरी है, हर चीज़ का क्लासीफाई करना पड़े। क्लासिफिकेशन करने से एट द एंड ऑफ द ईयर यू कैन फाइंड आउट द एग्जैक्ट पिक्चर्स ऑफ योर बिजनेस। आपके बिजनेस का एग्जैक्ट पिक्चर आप जान सकते हो, इसीलिए क्लासिफिकेशन करना बिजनेस में बहुत जरूरी है। सो दिस इज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी ये कहलाता है यहाँ पर। देन पॉइंट नंबर 5, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द ट्रांजेक्शन। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, ये भी उसकी डेफिनेशन के अंदर वर्ड आता है। एनालाइज करो, इंटरप्रिट करो, छोटी से छोटी चीज। एक इसके लिए भी एक एग्जांपल बता दो कि आज मैंने गुड्स खरीदा, इधर लिख रहा हूं खास ध्यान रख लेना, मैंने गुड्स परचेस करा, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम रमेश ऑफ रुपीस 20,000। मैंने रमेश से 20,000 का गुड्स परचेस करा एंड सच गुड्स इज सोल्ड टू महेश ऑफ रुपीस 30,000। समझ लेना खास। इंटरप्रेट मतलब क्या, बिजनेस के अंदर हम जो भी काम करते हैं, आज हमारा जो भी बिजनेस हो, जो भी प्रोडक्ट हो,
सपोज बिजनेस में कभी कभी हमारी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होती रहती है, तो आज कोई भी कस्टमर को हम कौन सी चीज़ बेचते हैं वो सब चीज़ नॉर्मली क्या होता रहता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मेंशन करना पड़े। सो एट द एंड ऑफ द पीरियड, जब पीरियड पूरा होवे ना, तो उस टाइम पर सामने वाले कस्टमर को आप बता सकते हो कि भाई आपको मैंने इतना माल बेचा था जिसका ये प्राइस था और टोटल वैल्यू इतनी है, सामने आपके इतने पैसे यहाँ मेरे पास यहाँ पर रिसीव्ड हुए, सो बैलेंस अमाउंट इतनी आपकी बाकी है। तो ये सब चीज़ें क्या हुआ, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। ट्रांजेक्शन को जितना हो सके उतना यहाँ पर इंटरप्रिट करो, जितना इंटरप्रिट करोगे ना तो सो क्या होगा, यहाँ पर बिजनेस के अंदर दो पर्सन के बीच में कभी डिस्प्यूट्स होने के चांसेस रहेंगे नहीं। ये खास माइंड वेल ध्यान रखना है यहाँ पर। बिजनेस में नियम है कि कोई भी छोटी से छोटी एंट्री करना बहुत ज़रूरी है। जैसे फ्यूचर के अंदर दो पर्सन के बीच में कोई डिस्प्यूट्स या तो कोई प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी नहीं, इसीलिए कोई भी वर्ड्स कोई भी ट्रांजेक्शन्स आप बिजनेस में करते हो वो सभी ट्रांजेक्शन्स को क्या करना हो, सेपरेट यहाँ पर एंट्री वाइज अमाउंट वाइज यूनिट वाइज सब कुछ मेंशन करो, बराबर कि पर यूनिट पर केजी पर लीटर प्राइस कितनी है, टोटल अमाउंट ऑफ वैल्यू कितनी है, उसमें टैक्स की वैल्यू कितनी है, ये सब चीज़ें मेंशन करना पड़े। बिल नंबर कौन सा है, कौन सी डेट को माल यहाँ पर मैंने सेंड करा हुआ है, तो ये सब चीज़ें बिजनेस के अंदर बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ इंटरप्रेट द ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, तो ये भी अकाउंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर यहाँ पर इम्पोर्टेंट वर्ड बताया हुआ है, ध्यान रखना सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा मेन पॉइंट ये भी आता रहता है कि एज एन एविडेंस अकाउंटिंग के अंदर ये भी आवे, एज एन एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ, एविडेंस का मतलब क्या होता रहता है प्रूफ, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर इंक्लूडिंग है, प्रूफ होता है प्रूफ, समझ लेना। बिजनेस में नियम है कि आज कोई भी पर्सन से हमने गुड्स परचेस करा हो या तो हमने किसी को गुड्स बेचा हो, तो बिजनेस के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आती रहती है वो है बिल। बिल इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट, बिल इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट बिटवीन टू पर्सन, दो पर्सन के बीच में देखने जाओगे तो बिल एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, इसीलिए बिल यहां पर एविडेंस के तौर पर फ्यूचर में काम लगता है। आज साल भर हम कोई पार्टी से इतना ट्रांजेक्शन करते हैं कि करीबन साल भर में 20-25 बिल का यहाँ पर ट्रांजेक्शन हमारा होता रहता है, तो सेपरेटली बिल मेंशन करने से क्या होगा कि वर्ड टू वर्ड बराबर कोई भी चीज़ का यहाँ पर सॉल्यूशंस हो सकता है, कितना गुड्स परचेस करा सामने कितना पेमेंट हुआ है, एविडेंस मतलब फ्यूचर में दो पर्सन के बीच में कोई भी गलत फहमी या तो कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस हो तो ये एविडेंस के तौर पर बिल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, जो बोलना चाहता हूँ बहुत ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट वर्ड था। तो ये अकाउंटिंग की बात करने जाओगे तो अकाउंटिंग के बेसिक फॉर्मेलिटीज़ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर बताए हुए थे। ऐसे तो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे हैं दूसरे भी, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, नॉर्मली क्वालिटी, अकाउंटिंग एक क्वालिटी है समझ लेना, अकाउंटिंग एक आर्ट है, कैसे रिकॉर्ड करना है बराबर किस तरह से करना है, दैट इज़ टोटली अप टू द पर्टिकुलर अकाउंटेंट, बराबर। तो इन्फॉर्मेशन सही तरह से अपने को यहाँ पर फैच करने की है, निकालने की है, और वो इन्फॉर्मेशन को फिर रिप्रेजेंट करना है, डिस्प्ले करना है। हाउ टू डिस्प्ले द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर्स, कस्टमर के सामने किस प्रकार से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की है वो जरूरी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बेसिक चीज़ बताई कि अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़रूरी है, खास ध्यान रख लेना। खास अकाउंटिंग काम का क्या है, इवन यू कैन फाइंड आउट योर एरर्स विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग, ये भी आवे, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आप कंसिडर करना चाहते हो तो कंसिडर कर सकते हो। ठीक है ना, इवन क्या होता है, दूसरी एक मेन चीज बता दो खास,
कंपेरिजन विथ योर पास्ट रेकॉर्ड, परमानेंट रेकॉर्ड। अकाउंटिंग एक परमानेंट रेकॉर्ड है। आज बिजनेस में कोई भी काम करते हैं, समझ लो कोई भी चीज, वो परमानेंटली रिकॉर्ड करना पड़े, रेगुलर। जितना बिजनेस में रेगुलर मेंटेन रहोगे उतना ही बिजनेस के अंदर क्या हो सकता है, यू कैन नो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ये भी ध्यान रख लेना, धंधे के अंदर क्या जानकारी मिल सकती है आपको, यू कैन नो द प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर। मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि अपना फाइनेंशियल ईयर कौन सा, अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल to 31 मार्च है, बराबर। तो एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ कि कितना लॉस हुआ वो हम जान सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर ध्यान रखना खास, सेकंड चैप्टर से सब कुछ ट्रांजेक्शन रिलेटेड सम्स आएंगे, बराबर। ये थियरी टॉपिक जो बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान रख लेना खास, बराबर। जो भी वीडियो के अंदर बता रहा हूँ अच्छी तरह समझ लेना। और मेन चीज प्रॉफिटेबिलिटी तो जान सकती, इवन बिजनेस के अंदर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, अपना स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस ये भी हम जान सकते कि भाई साल पूरा हुआ बिजनेस की पोजीशन कैसी है, किस तरह की है, वो भी हम अकाउंटिंग के ऊपर से कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो बताए, ऐसे तो बहुत सारे दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट ऑफ ले सकता हूँ पर इतना ज़रूरी है आपको बताया। बड़ी थियरी तो बहुत ज़्यादा आएगी नहीं नॉर्मली, ये चैप्टर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, तो ये है टर्मिनोलॉजी। करीबन 45 टर्मिनोलॉजीज है, अगर आप टेक्स्ट बुक के अंदर चेक करोगे तो 45 होगी, बराबर। ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ पड़ गई तो अकाउंटिंग के बेसिक वर्ड्स आपको मालूम पड़ेंगे, बराबर ना। अभी भी 2-3 क्वेश्चंस मेरे को दूसरे कराने के हैं, बाद में फिर आपको टर्मिनोलॉजी की स्टार्ट यहाँ पर करोगे, ओके। तो जितने भी वीडियो तब तक बना रहा हूँ अच्छी तरह ध्यान से देखना और समझ लेना, बराबर। ये मेन चीज़ आपको खास बोल रहा हूँ, इवन कोई भी क्वेरीज हो तो अपनी तरह से देख लेना, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड था जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या था, अकाउंटिंग, ओके। थैंक यू।